क्यों? हमें तुम्हारे जैसे कुछ और वीर योद्धा चाहिए। क्यों असुरराज? एक अति आवश्यक कार्य के लिए। मेरे दोनों भाई निशुंभर नमुषी भी मेरी ही भांति वीर हैं। तो हमारी भेंट करा उनसे। अवश्य सुराज। महादेव, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आपको युद्ध में परास्त कर मार न डालू। मार न डालू। मार न डालू। सुन रहे हो ना महादेव, अपने अनंत होने का भ्रम त्याग दीजिए, क्योंकि आपका अंत मेरे हाथों लिखा है। मेरे हाथों लिखा है। मेरे हाथों लिखा है। महादेव, शंखचूड़ को समझाने के बाद भी ये युद्ध के लिए आतुर है। यदि शंखचूड़ ना रुका, उसका अंत संहार मृत्यु निश्चित है। निश्चित है। निश्चित है। इस काल चक्र के क्रम से ना तो कोई बच पाया है और ना कोई बचेगा। यही सृष्टि का सिद्धांत है और यही इस संसार का नियम। नारायण, महादेव ने तो कहा था कि वो शंखचूड़ का अंत कर देंगे, परंतु तुलसी की पतिव्रता धर्म के आगे महादेव का त्रिशूल भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे में शंखचूड़ का संहार कौन करेगा प्रभु? तुलसी आपकी परम भक्त है नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तुलसी की पतिव्रता की भक्ति और महादेव की शक्ति, जब इन दोनों का टकराव होगा तब क्या होगा नारायण? महादेव की रची लीला पर कैसी चिंता देवर्षि नारद? प्रतीक्षा कीजिए, अंततः होगा वही जो महादेव की इच्छा होगी। युद्ध भूमि में मन और मस्तिष्क दोनों सज्ज रहने चाहिए भाई। अति उत्तम। शुंभ, किन्हें साथ लेकर आए हो? ये हैं असुर राज शंखचूड़ और ये हैं हमारे असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम असुर राज। शुंभ ने बताया कि तुम दोनों उसी के समान बलवान हो। संशय है तो परख लीजिए। अद्भुत, सीधा युद्ध की चुनौती देने वाले पर संशय कैसा? बधाई हो। असुर सेना के नए सेनापति नियुक्त किए जाते हो तुम तीनों। शुंभ, निशुंभ और नमुषी, क्षमा कीजिए असुर राज, हम तीनों भाई सेनापति का पद स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कारण? कारण सौगंध है असुर राज। ऋषि कश्यप और देवी धनु के पुत्र शुंभ और निशुंभ ने अपने भाई नमुचि की सौगंध ली है।
कि वो जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, कभी भी रक्तपात नहीं करेंगे, सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। और यदि इन्होंने असुर साम्राज्य के सेनापति का पद स्वीकार किया तो आजीवन ये तीनों भाई युद्ध से विमुख नहीं हो पाएंगे। ना हमें कुछ मिला और ना ही कुछ पाने की अभिलाषा है, इसलिए असुर राज हम तीनों भाइयों को क्षमा करें। असुरराज शंखचूड इस पवित्र अग्नि की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं पग पग पर तुम तीनों भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा। और यदि तुम तीनों ने मेरा साथ दिया और असुर सेनापति होने का दायित्व निभाया तो उचित समय आने पर तुम तीनों को मैं आधा असुर साम्राज्य दे दूंगा। आशा करता हूं कि तुम तीनों इस शुभ अवसर को जाने नहीं दोगे। मैं असुर लोक में तुम तीनों की प्रतीक्षा करूंगा। स्वयं युद्ध भूमि में क्यों नहीं उतरे महादेव? तुम मानो या ना मानो कार्तिकी, परंतु महादेव ने अपने गण से तुम्हारा युद्ध तुम्हें हरवाने के लिए किया था। क्षण रुकिए महादेव, महादेव आपने मुझसे युद्ध क्यों नहीं किया? क्यों उस तुच्छ गन से मेरा द्वंद करवाया? क्यों? ताकि मेरा अपमान हो सके? कैसे पिता है आप जो अपने ही पुत्र के आगे अपमान का टीका विष परोसाए, विष परोसाए, विष परोसाए? मैं भी कैसा पुत्र हूं जो भरी सभा में हार कर उस विष को पी गया? कार्तिके, उस सभा में एक और घटना घटी थी जिसे तुम स्मरण ही नहीं कर रहे हो। कौन सी घटना महादेव? जब तुम हारे, सभा में सभी शांत थे, किसी ने भी जीत का उल्लास नहीं मनाया। क्षमा करें कुमार कार्तिके, वो शांति तुम्हारे प्रति सम्मान था।